सीआईडी में इंस्पेक्टर का रोल करने वाले एक्टर ऋषिकेश पांडे के साथ ऐसा किस्सा हो गया है कि अब उन्हें खुद को पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। ऋषिकेश ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि मैं सीआईडी में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता हूं और हमारे पास लोग इस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ होगा, वो भी मुंबई जैसे शहर में। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुंबई को सबसे सेफ सिटी कही जाती है। मुंबई में औरतें आदमी सब आराम से घूम सकते हैं, यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। लेकिन अब मुंबई में धीरे धीरे जिस तरीके से चोरी चकारी के किस्से सामने आ रहे हैं, उससे डर लगने लगा है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले इस एक्टर ऋषिकेश पांडे के साथ ऐसा ही हुआ। रिसेंटली ऋषिकेश पांडे अपने पूरी फैमिली के साथ कोलाबा गए। कोलाबा से लौटते वक्त उन्होंने फैमिली के साथ एक एसी बस में बोर्ड किया। एसी बस से जिस वक्त वो उतरे, उसके बाद उन्होंने अपना स्लिंग बैग चेक किया तो उसके अंदर से उनका कैश, डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरत के सामान, आईडी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स सभी गायब थे। ऋषिकेश का कहना है कि मुंबई में ऐसा होगा, ये मैंने सोचा नहीं था, और दिन की बात है जब मेरे साथ ये किस्सा हुआ और किस वक्त मेरे बैग से ये चीज़ें गायब हुई, मुझे अंदाज़ा तक नहीं, चोर इस तरीके के शातिर थे। ऋषिकेश ने कहा कि कैश गया तो गया, लेकिन जो आईडी कार्ड्स और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उनको लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत चिंतित हूँ, कहीं किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा। इस तरीके से ये एक्टर अब फंस चुका है। कोलाबा पुलिस स्टेशन में इस एक्टर ने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने की कोशिश कर रही है और जिन लोगों पर अक्सर चोरी चकारी के नाम आते हैं उनसे पूछताछ की कोशिश कर रही है।